हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग करने जा रहे हैं रूल का क्वेश्चन नंबर 3.123। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3.121 3.122 का थोड़ा और डिफिकल्ट वर्जन है। डिफिकल्ट वर्जन केवल कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, अदरवाइज इसमें कोई कंसेप्ट नया नहीं लग रहा। कंसेप्ट वही है, रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस का। आप कैलकुलेट करो चार्ज, केवीएल लगाते करो या डायरेक्टली आप सर्किट को शॉर्ट करके करो, किसी तरीके से इसको आप करो और बस चार्ज का रीअरेंजमेंट देखना है। तो वैसे यहां इस क्वेश्चन में दिया क्या है? इस क्वेश्चन में दिया है कि इन द सर्किट शोन इन फिगर 3.25 द ईएमएफ ऑफ ईच बैटरी इज ई एंड द कैपेसिटर्स कैपेसिटेंस आर इक्वल टू C1 एंड C2। फाइंड द चार्जेस व्हिच विल फ्लो आफ्टर शॉर्टिंग ऑफ द स्विच SW थ्रू द सेक्शंस 1 2 एंड 3 हियर इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाई द एरोज। जिस डायरेक्शन में एरो में बताया गया उस डायरेक्शन में कितना चार्ज फ्लो करेगा। अगर मान लो जो डायरेक्शन बताई गई उसके थोड़ा डिफरेंट आया आपका आंसर, मतलब थोड़ा डिफरेंट मतलब अपोजिट आया, तो आपको लगाना पड़ेगा माइनस, और तो कोई बात है नहीं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में जो दो क्वेश्चन पूरा बवाल बताया गया है, इस क्वेश्चन में स्विच बंद करने से पहले की सिचुएशन क्या है। स्विच बंद करने की पहले की सिचुएशन में अगर देखोगे तो ये C1 और ये C2 जो है सीरीज में कनेक्टेड है। किसके? इन दोनों सेल के, जो दोनों सेल सीरीज में लगे हैं E और E, मतलब इन दोनों सेल को हम एक सेल ले सकते हैं 2E वोल्ट का। ठीक है, तो 2E EMF के सेल के क्रॉस ये दोनों सीरीज में लगे हुए कैपेसिटर हैं, इन पे चार्ज पक्का है सेम होगा। क्या होगा? चार्ज सेम होगा, और चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? क्यू होगी, और दोनों पे ही क्यू होगी। तो इस क्यू की वैल्यू आएगी कितनी? तो क्यू की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो बच्चों का काम है, सीरीज में अगर लगे हों तो क्या C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 हो जाएगा। ये इतना चार्ज पहले होगा, पहले कब? शॉर्ट करने से पहले। तो जब शॉर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ही आप इस स्विच को शॉर्ट करोगे, किसको? ये कैपेसिटर वाली स्विच को, जैसे मतलब बीच वाली स्विच को जैसे ही आप शॉर्ट करोगे तो यहाँ क्या होगा? जैसे इस स्विच को आप शॉर्ट करेंगे तो ध्यान से देखो, जो पहले ये दोनों सीरीज में सेल लगे थे वो थोड़ा चेंज हो गया कॉम्बिनेशन। कैसा हो गया? अगर आप ऊपर वाले सर्किट को ध्यान से देखो, जो ऊपर का सर्किट वो लगेगा कि EMF के सेल के साथ कनेक्टेड है और नीचे वाला सेल अकेला जो है EMF के साथ कनेक्टेड है। मतलब अब यहाँ पे चार्ज मान लेते हैं Q1 इसके अक्रॉस होगा और Q2 मान लेते हैं इसके क्रॉस, क्योंकि वो E1 और E2 EMF में लगे हुए हैं। तो जो Q1 की जो वैल्यू होगी, जो Q1 आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी? Q1 की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, क्योंकि EMF में C1 लगा है और Q2 क्या होगा? EMF में C2 लगा है। ठीक है, एक लूप बन जाएगा ना, ये वाला लूप। अगर आप ध्यान से देखो, इस लूप में एक सेल है, एक कैप्सर है, और इस लूप में एक कैप्सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब ये आपको इतनी बात क्लियर समझ में आ गई कितना कितना चार्ज हो जाएगा। अच्छा, अब ये बताओ कितना चार्ज फ्लो किया होगा? अगर हमें फ्लो का चार्ज निकालना, कितना फ्लो किया, तो पहले चार्ज क्यू था, बाद में हो गया Q1। तो इस रास्ते में अगर हम देखें तो बोलेंगे इतना चार्ज फ्लो हो गया, कितना? डेल्टा क्यू। ठीक है, अच्छा इस रास्ते में कितना हो गया? पहले चार्ज क्यू था, अब हो गया Q2, तो हम मान लेते हैं इस रास्ते में इधर की तरफ Q2 फ्लो हो गया। देखो Q2 हमारे मानने वाली डायरेक्शन के अपोजिट है, डेल्टा Q2 हमारे मानने वाली डायरेक्शन के अपोजिट है, तो इसलिए माइनस करके लिखा जाएगा जब आंसर लिखा जाएगा तो। ठीक है, तो जरा Q1 बताओ कितना होगा? Q1 की जो वैल्यू लिखी जाएगी, Q1 की जो वैल्यू लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी? डेल्टा Q1 की। तो डेल्टा Q1 जो आएगा हमारे पास वो आएगा क्या? Q1 फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, और डेल्टा Q2 क्या लिखा जाएगा? डेल्टा Q2 लिखा जाएगा फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, इतना लिखा जाएगा। अब कोई Q3 के बारे में बात ही नहीं कर रहा, Q3 कितना होगा? देखो डेल्टा Q1 यहां उतर के आया, डेल्टा Q2 यहां चला गया, तो इस डायरेक्शन में हमारा डेल्टा Q3 होगा। किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में हमारा डेल्टा Q3 फ्लो करेगा, फिर जो डायरेक्शन हमने मानी थी उसके जस्ट अगेंस्ट मान रहे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा संभाल के लिखना पड़ेगा, तो माइनस लगा के लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे भी जो आंसर लिखा जाएगा डेल्टा Q2 का वो भी माइनस करके ही लिखा जाएगा। खैर, अभी Q3 जो लिखेंगे उसमें भी माइनस लगा के ही लिखेंगे, तो फाइनल आंसर लिखेंगे। तो आइए जरा आंसर लिखना शुरू करते हैं। क्यों माइनस लगा के लिखेंगे? क्योंकि जो डायरेक्शन यहां पे एरो दिखा गया उसका जस्ट उल्टा आ रहा है। तो आइए डेल्टा Q1 फटाफट निकालते हैं। डेल्टा Q1 की जो वैल्यू आई, Q1 कितना है? C1E, और Q कितना था? 2 टाइम्स ऑफ EC1C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2।
ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी सी वन स्क्वायर ई प्लस सी वन सी टू ई माइनस टू टाइम्स ऑफ ई सी वन सी टू डिवाइड बाई सी वन प्लस ये इतना होगा। तो ये डेल्टा क्यू वन की जो वैल्यू आएगी यहां पर वो आएगी कितनी, सी वन ई कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा सी वन माइनस सी टू डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू ये बचेगा। ये चार्ज जो है हमारा यहां फ्लो किया होगा ठीक। अब ऐसे ही अगर हम डेल्टा क्यू टू निकाले तो क्या आएगा, डेल्टा क्यू टू क्या आएगा यहां पे लिखा जाएगा माइनस लगा दिया जाएगा विद साइन लिखेंगे ना, अब तुम माइनस लगाओगे तो क्या लिखोगे सी टू ई लिखोगे और यहां पर क्या करोगे माइनस का क्यू करोगे तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी टू ई सी वन सी टू डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू। तो इसी के जैसा एक्सप्रेशन आएगा बस एक माइनस का फर्क रहेगा, डेल्टा क्यू टू क्या आएगा माइनस टाइम्स ऑफ सी टू ई और यहां क्या हो जाएगा सी वन माइनस सी टू या सी टू माइनस सी वन, अब हो जाएगा सी टू माइनस सी वन डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू ये आ जाएगा ठीक है। माइनस हटा दो तो यहां पे आप सी वन माइनस सी टू करके भी लिख सकते हो। खैर अब डेल्टा क्यू थ्री कितना आएगा, डेल्टा क्यू थ्री देखो कैसे निकालेंगे, इसके लिए सिंपल सा मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं, देखो बहुत आसान सा एक्सप्रेशन आएगा क्या आएगा, डेल्टा क्यू थ्री जो आएगा वो आएगा डेल्टा क्यू वन माइनस डेल्टा क्यू टू। जैसे ही आप डेल्टा क्यू वन माइनस क्यू टू लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको यहां पर क्यू वन माइनस क्यू और क्यू टू माइनस क्यू को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा क्या, क्यू वन माइनस क्यू टू मिलेगा, क्या मिलेगा क्यू वन माइनस क्यू टू मिलेगा। लेकिन यहां पर पूरे एक्सप्रेशन में एक माइनस लगाना पड़ेगा, क्यों, अगर तुमने डेल्टा क्यू वन माइनस क्यू टू लिखा इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है लेफ्ट साइड में जा रहा है जबकि चार्ज यहाँ पर राइट साइड में वो मांग रहा है, यहाँ एक माइनस लगा देंगे। तो माइनस लगाते ही हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस लगाते ही हमारा आंसर बदल जाएगा, किस फॉर्म में बदल जाएगा बताओ जरा फटाफट, ये आ जाएगा डेल्टा क्यू थ्री, डेल्टा क्यू थ्री जो यहाँ आएगा वो आएगा सी टू माइनस सी वन इंटू ई, ये इतना चार्ज फ्लो करेगा। हमने माइनस क्यों लगाया था, क्यों लगाया था, क्योंकि क्योंकि जो डायरेक्शन हम मान रहे थे उसके जस्ट उल्टा आ रहा, कुछ खास यहां पर नहीं है। लेकिन जी मेंस के लिए अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस में भी आ सकता है, कोई बुरा क्वेश्चन नहीं है।